हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे मैप, कोनिकल मैप प्रोजेक्शन के बारे में। और मैं ये बातें आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो कोनिकल प्रोजेक्शन है वो फाइनल ईयर और सेकेंड ईयर बीए दोनों के प्रैक्टिकल में है। बिल्कुल दोनों का प्रैक्टिकल सेम रहेगा। जो बीए सेकेंड ईयर है वो दो प्रकार के प्रोजेक्शन का ध्यान प्रैक्टिकल के अंतर्गत किया जाएगा उनके द्वारा, कोनिकल प्रोजेक्शन और सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, जिसको शंकु प्रक्षेप और बेलनाकार प्रक्षेप कहा जाता है। बीए अंतिम वर्ष के सिलेबस में केवल शंकु प्रक्षेप है, तो जो बीए के हमारे छात्र हैं वो शंकु प्रक्षेप का थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करेंगे, और बीए सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं वो शंकु प्रक्षेप और बेलनाकार दोनों प्रक्षेप का अध्ययन समान रूप से करेंगे। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं मानचित्र प्रक्षेप के अंतर्गत शंकु प्रक्षेप के संबंध में। तो सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये प्रक्षेप क्या होता है। देखिए, हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो इस उसका जो शेप है वो स्फेरिकल है, गोलाभ आकृति। तो जो ये स्फेरिकल अर्थ है, इस स्फेरिकल अर्थ के किसी बड़े भूभाग का समतल सतह पर मानचित्र बनाने के लिए प्रकाश या ज्यामिति विधियों के द्वारा निर्मित अक्षांश देशांतर रेखाओं के अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल को मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं सामान्य रूप से कि ग्लोब आप सब समझते हैं, ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ अर्थ, वो पृथ्वी की एक प्रति आकृति है। और पृथ्वी में काल्पनिक रूप से अक्षांश और देशांतर रेखाओं की विशेष स्थितियां हैं। तो जब हम किसी प्रकाश के द्वारा या किसी ज्यामिति विधियों के द्वारा जो पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर रेखाओं की स्थिति को समतल कागज पर निर्मित करते हैं तो उसको प्रक्षेप कहा जाता है। लाइट का जब यूज़ करते हैं, प्रकाश का यूज़ करते हैं, तो आप कल्पना करिएगा कि आप अपने हाथ में रात के अंधेरे में आप अपने हाथ में पंजे में टार्च मार रहे हैं, टार्च का फोकस अपने पंजे में कर रहे हैं, तो आपके पंजे का जो चित्र है वो दीवार में दिखेगा। यही ये जो प्रोसेस है ये प्रोजेक्शन कहलाता है। बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने मानचित्र प्रक्षेप को परिभाषित किया है। इरविन रेज ने कहा है जनरल ज्योग्राफी में, अक्षांश वृत्तों या यामोत्तरों का कोई ऐसा व्यवस्थित क्रम जिस पर मानचित्र बनाया जा सके प्रक्षेप कहा जाता है। जे ए स्टीरियर साहब हैं, इन्होंने कहा कि मानचित्र प्रक्षेप ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समतल कागज पर प्रदर्शित करने की विधि है। जो बीए सेकेंड ईयर वाले हैं उनके लिए ये नई चीज़ है, लेकिन फाइनल ईयर वाले पिछले साल बीए सेकेंड ईयर में बेलनाकार प्रोजेक्शन पढ़ चुके हैं, तो आप थोड़ा सा रिकॉल करिएगा तो आपको याद आते जाएगा। आज हम लोग दोनों जो कक्षा है, बीए अंतिम वर्ष और बीए द्वितीय वर्ष, ये जो हमारी चर्चा है ये दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कोनिकल प्रोजेक्शन का। ये जो कोनिकल प्रोजेक्शन है इसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। हिंदी में इसे कहा जाता है शंक्वाकार प्रक्षेप। चलिए आगे चलते हैं।
ये जो शंकु प्रक्षेप है, तो शंकु प्रक्षेप ग्लोब पर अंकित भूग्रीड, भूग्रीड का आशय होता है अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल, को कागज के शंकु पर स्थानांतरित करने के पश्चात उस कागज के शंकु को समतल सतह में फैलाने के सिद्धांत पर आधारित होता है। देखिए एक्चुअल में होता यह है कि आप जैसे थोड़ा सा ये डायग्राम देखेंगे, तो होता यह है कि कागज का एक शंकु की कल्पना की जाती है या शंकु मान लिया जाता है, ये कागज का शंकु है, शंकुआकार जो चाड़ी रहता है उसी टाइप का, और इस शंकुआकार शंकु में ये ग्लोब की स्थिति मानी जाती है जो नीले कलर में आपको दिखाया जा रहा है। और आप जानते हैं कि जो ग्लोब है वो उसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं का, ये जो मैं खींच रहा हूँ देशांतर रेखा है और ये जो दोबारा खींच रहा हूँ ये अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ये अक्षांश रेखाएं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होती है और जो देशांतर रेखाएं हैं वो वर्टिकल होती है। एक्चुअल में इस शंकु के अंदर पृथ्वी है और आप इस शंकु के इस हिस्से को काटते हैं, इस हिस्से को जब आप काटेंगे, इस हिस्से को कट करेंगे तो वो ऐसा दिखेगा। ये जब आप शंकु के इस हिस्से को काटेंगे तो शंकु आपको जब वो फैलेगा वो कागज़, तो आपको वो ऐसा ऐसा दिखाई देगा, ये इस टाइप का जो इसका फैलाव है आप देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है ये शंकु को कट करे, है ना, ये कोण है और आप इसको समतल सतह पर फैलाएंगे तो ये इसकी आकृति ऐसी हो जाएगी। ये शंकुआकार प्रक्षेप इसी सिद्धांत पर आधारित है। बेलनाकार प्रक्षेप इस सिद्धांत पर आधारित है कि आप इसको काटेंगे यहाँ से, ये यहाँ से सॉरी यहाँ से काटेंगे और इसको फैलाएंगे तो ये ऐसे ऐसे सीधा फैलेगा ऐसे। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं शंकुआकार प्रक्षेप की, इसकी चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं, अगले क्रम में इसकी चर्चा की जाएगी। एक बार फिर, शंकु प्रक्षेप ग्लोब पर अंकित भूग्रीड को कागज के शंकु पर स्थानांतरित करने के पश्चात शंकु के कागज को समतल फैलाने के सिद्धांत पर आधारित होता है। लाइक दैट दिस टाइप ऑफ ओके। चलिए आगे चलते हैं। शंकु प्रक्षेपों के की रचना में ये मान लिया जाता है कि कागज का शंकु ग्लोब को किसी चुने हुए अक्षांश वृत्त में, लेकिन उसकी शर्त है कि भूमध्य रेखा और ध्रुव को छोड़ के, भाई भूमध्य रेखा और ध्रुव को वो स्पर्श नहीं करेगी। शंकु प्रक्षेप में की रचना में ये मान लिया जाता है कि कागज का शंकु ग्लोब को किसी चुने हुए अक्षांश वृत्त पर स्पर्श करता है, चुने हुए अक्षांश वृत्त में भूमध्य रेखा और ध्रुव नहीं आएंगे, तथा शंकु का शीर्ष ध्रुव के ठीक ऊपर की ओर पृथ्वी के बढ़ाए गए ध्रुवीय अक्ष के किसी बिंदु पर स्थित होता है। इसको देख लीजिए थोड़ा सा, ये डायग्राम में अगर हम देखें, या दूसरे शब्दों में कहें तो पृथ्वी का केंद्र, सेंटर ऑफ द अर्थ, ध्रुव पोल और शंकु का शीर्ष एक सीधे सरल रेखा में होता है। इसको बहुत स्पष्ट तरीके से यहाँ पर बताया गया है। आप देखिएगा कि शंकु का जो ये, अगर आप एक एक लाइन खींच दीजिए तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये पृथ्वी का जो केंद्र है
कीजिए और ध्रुव, ये जो एन यहाँ पर एन पी दिखाई जा रही है ये ध्रुव, और शंकु का जो बढ़ाया हुआ शीर्ष है ये तीनों एक एक सरल रेखा में होगी। क्लियर। ये पृथ्वी का केंद्र, ध्रुव तथा शंकु का शीर्ष सरल रेखा में होगा। ठीक, आप थोड़ा सा देख लीजिए इसको और। बिल्कुल, आप ये याद रखिएगा कि ये प्रश्न वायवा में भी पूछा जाता है कि पृथ्वी का जो केंद्र है, अगर आप एक लाइन खींच दें तो समझ में आ जाएगा पृथ्वी का केंद्र ये ध्रुव और शंकु का जो बढ़ाया गया अक्ष है, अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो वो एक सीधी रेखा में होगी। चलिए आगे चलते हैं। शंकु प्रक्षेप की जब आप रचना करेंगे तो हमेशा चर्चा होगी मानक अक्षांश की। जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा तो उसमें बिल्कुल ये कहा जाएगा कि इतने अंश मानक अक्षांश पर स्टैंडर्ड, इसको अंग्रेजी में स्टैंडर्ड पैरेलल कहा जाता है। ये होता क्या है, थोड़ा सा देखेंगे मानक अक्षांश किसे कहा जाता है। ये बात आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, समझ लीजिए, रख लीजिए, क्योंकि बिल्कुल जब आप वायवा में जाएंगे तो व्हाट इज स्टैंडर्ड पैरेलल, ये बिल्कुल वो पूछेगा और सबसे पूछेगा, चाहे वो सेकेंड ईयर वाले हो, चाहे वो सॉरी सेकेंड हाँ सेकेंड ईयर वाले हो या फाइनल ईयर वाले हो। ठीक, तो थोड़ा सा गंभीरता से इसकी ओर ध्यान देते हैं। मानक अक्षांश होता क्या है, जिस अक्षांश वृत्त पर कागज का जिस अक्षांश वृत्त पर जिस अक्षांश वृत्त पर कागज का शंकु ग्लोब को स्पर्श करता है, बिल्कुल सरल है, जिस अक्षांश वृत्त पर कागज का शंकु ग्लोब को स्पर्श करता है उसे मानक अक्षांश कहते हैं। शंकु की विकसित सतह अर्थात मानचित्र प्रक्षेप में इस मानक अक्षांश की आकृति वृत्त के चाप के समान होती है, वृत्त के चाप के समान। ठीक, ऐसे ये ऐसे मानक अक्षांश में पर मापनी हमेशा शुद्ध होती है, कहीं पर शुद्ध हो चाहे मत हो, लेकिन वो मानक अक्षांश में जो मापनी है वो बिल्कुल शुद्ध होती है। ये बात आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। ये मानक अक्षांश की हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो देखते ये हैं कि ये इस टाइप का शंकु प्रक्षेप रहता है और कोई सा भी मानक अक्षांश माना जाता है तो ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये दैट इज ए स्टैंडर्ड पैरेलल। ठीक, और शंकु प्रक्षेप में एक बात याद रखिएगा, मानक अक्षांश जिसको स्टैंडर्ड पैरेलल कहा जाता है वो भूमध्य रेखा नहीं होगी और ध्रुव नहीं होगा। ठीक, आगे चलते हैं शंकु प्रक्षेप के प्रकार के संदर्भ में। तो शंकु प्रक्षेप मोटे तौर पे दो प्रकार का होता है। पहला सरल शंकु प्रक्षेप, इसमें केवल वन स्टैंडर्ड पैरेलल होता है, एक मानक अक्षांश होता है। और दूसरा होता है संशोधित शंकु प्रक्षेप, इसमें मानक अक्षांशों की संख्या एक से ज़्यादा हो सकती है। अब इसको समझिए, अगर एक शंकु प्रक्षेप है तो अगर ये P मान लीजिएगा तो एक मानक अक्षांश मतलब सिर्फ एक मानक अक्षांश होगा और इसी के हिसाब से आपका जो प्रोजेक्शन है वो बनेगा।
ये इस तरीके से। ये दो माना का चांस का आशा है, दो माना का चांस का आशा है कि आपके माना का चांस दो रहेंगे ये, और इसके मेजरमेंट के हिसाब से आपको ये बनाना है। आप ये दोनों पॉइंट को होते हुए आप यहाँ शीर्ष तक जाएंगे, ये दोनों पॉइंट को होते हुए आप जाएंगे। ये आगे चल के आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा, सरल है, कहीं पर कठिन नहीं है। अगर अभी थोड़ी सी कठिनाई आए इस डिजिटल माध्यम में तो इसको क्लियर कर लेंगे, बहुत सरल है। आगे चलते हैं, जो संशोधित शंकु प्रक्षेप है उसके और तीन प्रकार हैं। बोन प्रोजेक्शन हो गया, ये बोन प्रोजेक्शन फाइनल ईयर और सेकेंड ईयर दोनों को पढ़ना है। पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन, बहुसंख्यक प्रक्षेप और इंटरनेशनल प्रोजेक्शन। तो ये इंटरनेशनल जो प्रोजेक्शन है वो फिलहाल हमारे कोर्स से बाहर है, लेकिन ये भी उसी शंकु प्रक्षेप का पार्ट कहलाता है। संशोधित जो शंकु प्रक्षेप के उदाहरण है ये तीनों। शंकु प्रक्षेप में पूरे पृथ्वी का ये जो पूरा पृथ्वी है इसका मानचित्र नहीं बनाया जा सकता भाई। इसमें किसी ये ना उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, तो किसी एक गोलार्ध का आप बना सकते हैं, राइट। दोनों गोलार्ध का नहीं बनेगा। आप यहाँ पर ध्रुव का बना सकते हैं, यहाँ का भी बना सकते हैं, लेकिन ये दोनों ध्रुव का एक साथ दिखे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो पावर पॉइंट पर बनाने का काम है वंदिनी पटेल करती है, हमारी विभागीय सहयोगी, उसको धन्यवाद धन्यवाद है। आप सभी को भी ये थोड़ा सा प्रारंभिक जानकारी के लिए आपको जो दी जा रही है, आप थोड़ा सा गंभीर रहिएगा और हर चीज़ क्लियर कर लिया जाएगा। आप प्रैक्टिकल के लिए बहुत हड़बड़ाइए मत, हम सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं विदा चाहूँगा। और आप कोशिश करिएगा कि जो दो दिन रहता है आपका कॉलेज में तो आप क्लास अटेंड करिए, ज्योग्राफी में लगातार प्रैक्टिकल चलेंगे, सर्वेइंग भी करना है आपको, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, फिर हम लोग पूरा कर लेंगे, बिल्कुल भरोसा रखें। थैंक यू।